लास्ट क्वेश्चन इज दैट ओपन एक्सरसाइज 14.3 सी द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा Yesterday we have discussed the question in which the class size is different. Class size different होते हैं, क्या करते हैं? Frequency को adjust करते हैं. Now see this. Number of letters 1, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 12, 20. We can see here now the difference is 4 minus 1, 3, 6 minus 4, 2, 2, 4, 8. Class size 4 ne likhna yahan par ki 1 to 4 hai to 4 likh diya. 4 minus 1 is 3. Agar 0 to 4 hota, fir hota 4. 1 to 4 है तो 4 minus 1, 3. 6 minus 4, 2. 8 minus 6, 2. 12 minus 8, 4. And 20 minus 1, 8. Now we can see the class size is different. Right? So, what is the frequency? 6, 30, 40, 44, 16 and Yes. So now we can see that since the class size is different, so we have to adjust the frequency. So write down. Adjusted frequency is frequency of the class. जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ओवर इनटू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज. नाउ व्हाट इज द मिनिमम क्लास साइज? 2. इसका मतलब हर केस में मल्टीप्लाई बाय 2 इज फिक्स्ड, राइट? नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ध्यान से करना है, ठीक है? 6. क्लास साइज क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 4. फ्रीक्वेंसी इज 30, क्लास साइज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी 30. 44 फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास साइज अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कटिंग हो गई, दिस विल आल्सो बी 44. देन 16 ओवर क्लास साइज इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कटिंग, ये लो 8. कितना आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 8. साहिल आपने क्लास लगाई थी कल, आपको आता है ये? समझ गए? ठीक है. देन बेटा 4 ओवर क्लास साइज इज 8 इनटू 2. यस. सो नाउ वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम बिटवीन दिस क्लास इंटरवल एंड दैट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. यस. टेबल बनाओ बेटा, देन वी विल मेक द ग्राफ हिस्टोग्राम. जैसे अब आपने ये 30 यहाँ लिया, लाइन पे लेना चाहिए, वैसे रफ में भी दिखा रहे हो, ठीक है? ग्राफ ग्राफ नहीं बना लिया टेबल.
जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो, ये लो 0 to 10, हो सकती है इसमें क्या है? वो देखो है क्लास वाले की फ्रीक्वेंसी वन बना ली है, ठीक है। चलो लेट्स मेक द हिस्टोग्राम एवरीवन। नाउ आई थिंक इट इज वेरी इजी, यू ऑल नो। दस्तर देना बेटा, वो वुडन वाला देना। x-axis, y-axis, origin. Now हमारा क्लास इंटरवल कहां तक है? 20 तक। So it is your wish. 20 तक है तो हम 2-2 का डिफरेंस लेंगे। अब देखो इसमें odd number, even numbers है, 1, 4, 6, 8 है ना, तो हम 2-2 का डिफरेंस ले लें। 2, 4, 8 वाले में, ये 9 ही तो कर रहे हैं, उसने भी 2 का ही लिया था, यहाँ ऊपर तो वो 10 के ले। सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा बेटा पेपर में, चांस की बात है सेम आ जाए, जरूरी तो नहीं। सो दिस इज द क्लास इंटरवल नीड, हियर वी हैव टेकन दैट इज नंबर ऑफ लेटर्स एंड दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सरनेम means the frequency. Now we have to see the adjusted frequency. Maximum number is 44. So we will take the difference of 10, 10, 20, 30, 40 and 50. Fine. Now beta, 1 se 4 tak frequency kitni hai? 4. So this is 1, 1, 2, 3, 4 ye. Ye humara 1. 1 se leke 4 तक फ्रीक्वेंसी इज 4। ठीक है बच्चे, देन 4 to 6 30, 4 से 6 देन 6 to 8 44, दिस इज 40, 1, 2, 3, 4 8 to 12 is 8. So 8 to 12. This is 5, 6, 7, 8. Like this. And 12 to 20 frequency is 1. ये हमारा 1 है. One पे बिल्कुल छोटा सा box. I hope it is clear. So now we will write the scale. On y-axis, 10 small division is equal to 10 surnames. And on x-axis, 10 small division is equal to 2 letters. 2 letters. This is what? The number of letters. Please note down. Any doubt? Right?
So with this, beta, our syllabus of PT2 till PT2 is finished, right? The next exercise is not in your syllabus. That is mean, median, mod. That is deducted, right? And now we are going to start the revision of from the first chapter, that is number system. Okay. बेटा आपको ग्रुप में भेजे हैं मैंने चैप्टर्स, देख लो, नहीं तो आई विल सेंड इट अगेन आल्सो. ठीक है, सेवन है नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, हीरोन्स फॉर्मूला और स्टैट्स. इस टर्म में नहीं है. ये लो बेटा, भेज देती हूँ दोबारा. तब देते जाओ. नंबर सिस्टम बेटा चार चैप्टर्स तो यही है जो अभी किए, ट्राइंगल्स, चार्ट्स, हीरोन्स फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशंस. फिर लाइन पिछले में से नंबर सिस्टम, लाइन एंड एंगल एंड कोऑर्डिनेट. ठीक है, सेवन चैप्टर्स. सो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. वो तो डिडक्टेड है ना बच्चे, कितनी बार बोलना है, मतलब आप सुनते नहीं हो एक बार में, मुझे लगता है वो नेक्स्ट टर्म में आना बेटे. ठीक है, मुझे सीबीएसई वाला सिलेबस है ना, दैट आल्सो आई विल सेंड, एंड डिडक्टेड सिलेबस आल्सो. फिर पता क्या होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आना कौन सा नहीं, इसलिए आपको जो चैप्टर आने हैं उसमें से जो पोर्शन डिडक्टेड है दैट आई विल सेंड. ठीक है, सो नाउ 0.235 बार रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. बार दो पे है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू. नाउ दिस इज एन व्हाट टाइप ऑफ नंबर इट इज, रैशनल और इरैशनल? हाँ जी मंशिका, कैसा नंबर है ये? इरैशनल. हाँ जी कैसा नंबर है रेणुका? यस, दिस इज रैशनल नंबर बेटा. जब भी कोई नंबर जिसपे बार होता है वो रैशनल होता है. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू दैट इज अ रैशनल. व्हाट इज एन इरैशनल नंबर? इरैशनल होते हैं जो रूट वाले नंबर होते हैं. रूट वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे रूट फाइव, रूट सेवन, या फिर अगर कोई नंबर है 9.432146, ये आपके डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं बट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं हो रहे, रैंडम नंबर. हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट इज एन इरैशनल. बार वाला आ जाए वो तो है ही रैशनल, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, एंड एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज ऑलवेज रैशनल. आता है सबको? रेजा आपको आता है? हाँ जी करिए, शाबाश, एवरीवन डू इट. See beta, we have done this earlier also, that if the bar is on, now here the bar is on two numbers. Look here. हाँ जी, पहले solution, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? इसको x के equal. 0.2, now the bar is on two numbers, so we will repeat that numbers. 3, 5 पे है, so it is very important to see that on how many numbers, on how many digits the bar is. अगर दो पे है और गलती से आपने एक पे लेके क्वेश्चन कर दिया तो फिर वो नंबर जीरो क्रॉस. ठीक है, 3, 5, 3, 5, 3, 5 इज रिपीटिंग, 3, 5, 3, 5, 3, 5, सो ऑन. देन बेटा दो पे है, अगर दो पे बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100. अगर एक पे होता तो किससे? 10. अगर तीन नंबर पे बार होता तो 1000. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 100.
100x. Now beta, when we will multiply it with 100, so the decimal will shift two digits towards the right. It will be 23.53535 and so. This is equation number one. This is equation number two. Second वाले में से one को minus करेंगे. 100 minus x, 99x. इधर देखो, इसको रफ में माइनस करो. 23.53535. So and 0.2. ये जरूरी नहीं है कि माइनस करते वक्त डेसिमल के बाद जो नंबर आए वो सेम ही होगा. आगे वाली सीरीज आप देखो सेम होगी. 0.2353 एंड सो. सो वी विल सबट्रैक्ट 0.00003. So it is 23.9. कटिंग होती है 3, 3, 6, 7, 8 होती है कटिंग इसकी. हाँ, अगर होती है, नहीं हो रही, ठीक है. अगर होती है बेटा डिपेंड करता है. हाँ, आ गया ना. बट पी ओवर क्यू की डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की? दैट इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. मींस पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम. पी ओवर क्यू, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम. मतलब वो दोनों एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आने चाहिए. तो ये अब डिपेंड करता है, ठीक है. वैसे इसके हाफ मार्क्स करते हैं नाउ, बट डिपेंड्स अपॉन द चेकिंग. वैसे यूजुअली तो हम काटते थे, लेकिन अब थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम है तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं. बट ये फिक्स नहीं है, उसी टाइम डिसाइड होता है. बट आपने करनी है. अच्छा, एमसीक्यू तो आने हैं. मान लो इसकी कटिंग होती हो, है ना, आपको बोलेंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. वो मैं भूल ही जाती हूँ. क्यों भूल जाती हूँ? क्योंकि आदत नहीं है ना. हाँ, मान लो ये क्वेश्चन आएगा, दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी डी. तो सॉल्व तो बच्चे करना पड़ेगा, ऑरली थोड़ी कर दोगे. कटिंग मान लो इसकी कटिंग होती है, तो कटिंग देखोगे तो सही ना. फिर सब फिर देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ये तो ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ गया. पहले मास नीचे करके बोल. बेटा हमें आंसर एमसीक्यू वाले आंसर से मतलब है, आप जहां मर्जी करो. बाकी अभी अभी कुछ नहीं. मैं अभी इसलिए नहीं कुछ बोलती बेटा, तो अभी डिस्कस होना है, ठीक है ना. तो जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वी विल पास इट ऑन टू यू. अभी मैं कुछ कह दूं, बाद में कुछ चेंज हो जाए, फिर आप कहोगे ईशा मैम ने तो ऐसे कहा था, इसलिए नहीं कुछ बोलते. राइट. एंड सिमिलरली बेटा, देयर वाज नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27 बार, उसका आंसर क्या आया है? 1.272727 लाइक दिस. Bar is on two number, so we will multiply it with 100x, so it will be 127.2727 and so on. Minus karenge, 99x is equal to 127.2727 minus 1.2727. 126. अब ऑप्शन में 14/11 देंगे, ना कि 126/99. तो कटिंग करके देखनी पड़ेगी. इसकी तो इजी थी. कई बार किसी कोई मुश्किल भी आ जाता है जो सिर्फ जैसे प्राइम नंबर से कट होता है. समटाइम्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर कम्स इन सच अ वे जो सिर्फ 17 के टेबल में जाता है. तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, पता है. मान लो अगर आपको ना पता चले कि ये किस टेबल से जा रहा है, देन व्हाट वी डू, वी फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ यू नो, बड़े दोनों में से बड़े वाले नंबर को अंदर रखते हैं, छोटे वाले नंबर को बाहर. याद है कुछ, है ना. हाँ, बड़े वाले जैसे इसी में मान लो अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ तो 126 वैसे ऊपर है, ठीक है. लेकिन अगर ऐसे होता 99/126, तब भी 126 अंदर रहता, 99.
ones are 99. The 27, then 27, ये इधर. 27 ऐसे डिवाइड करते जाओगे तो HCF क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं. इसका बताओ 27 थ्री आर 81 एट आंसर ये कितना आया 9 जीरो आ गया. नाउ इट मींस विच इज अ HCF 9. इसको 9 से डिवाइड करोगे सीधा तो सीधा 14/11 आ जाएगा. दिस इज द मेथड. अगर आपको एकदम से क्लिक ना करे कि ये किस टेबल से कटिंग होगी फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स उससे डिवाइड करोगे यू विल गेट द को प्राइम नंबर लोएस्ट टर्म आ जाएगी आपके पास. ठीक है ये सक्षम हमेशा एंड में आता है जब 5 मिनट 7 मिनट रह जाते हैं उस टाइम एंट्री करता है ये अटेंडेंस हो जाए दिमाग से खाली. All right. So, beta, tomorrow everyone, now today you will revise this chapter number 1 number system. Tomorrow we are going to do some more extra questions from this chapter. Okay. And now your syllabus is complete. So, complete your notebooks and start making the PDF. PDF mein Euclid chapter nahi hona chahiye. Theek hai? Haan, polynomials bhi nahi. Wo bhi main next term mein check karungi. Right, because now there are many chapters starts ho gaya ye bhi hai na. So don't make the PDF of Euclid and polynomials. Make the PDF of other chapters and send it. And figures jo hai triangles chapter mein it should be made with pencil properly with scale. ऐसे गंदी मंदी figures बनाकर copy checking के लिए नहीं देनी है मुझे. Okay? चलो. See you tomorrow बेटे. Take care.